जी मैं बिजनेस माय फाइनेंस में छुपाता हूँ। मेरा फोन छुपा लिया था एंड आई वाज लुकिंग फॉर इट एवरीवेयर। बट सर का तो ये फिल्म देखिएगा, आपको पता चलेगा फोन से क्या होता है। मेरे जो सेलफोन है उसका जो पासवर्ड है। यू हैव टू हैव अ स्माइल ऑन योर ओन फेस इन ऑर्डर टू बी एबल टू मेक अदर पीपल लाफ। टी सीरीज वालों ने आपको सीटियां दे के बहुत गलत किया है। ओए मेरी बात सुन लो भाई, ये टी सीरीज वाले प्लीज सीटियां मत देना। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था भाई जब ट्रेलर चल रहा था। खुद के लेके आए? पक्की बात है? खैर बहुत बहुत धन्यवाद मुदस्सर साहब इतनी प्यारी फिल्म देने के लिए और इतना वापस कॉमेडी के बीच में लाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मेरी टीम का धन्यवाद करता हूँ जो सारे बैठे हुए हैं यहाँ, जिसमें से एक जन मिसिंग है, तापसी नहीं है इधर। तो मैं इन सब से दरख्वास्त करूँगा कि ऊपर आएँ, सबके सब ऊपर आएँ और मेरा साथ दें। तो ये मेरे साथ मेरे कलीग्स हैं, मेरे स्टारकास्ट हैं। और आई विश तापसी वॉज हियर मैन, आई से ऑल्सो लेट्स कॉल हर ऑफ। वेल आई डोंट हैव माय फोन, कॉल हर ऑफ, गिव हर अ वीडियो कॉल, एट लीस्ट शी कैन सी। द ट्रेलर इज वेरी गुड एंड इट हैज ह्यूमर, बट आई हैव टू आस्क यू कि आप ऐसे फोन में क्या चीज को देखकर यानी आप छुपाते हो या डरते हो दैट यू नो दैट शुड नॉट नेवर कम आउट? जी माय बिजनेस माय फाइनेंस मैं छुपाता हूँ। और जी यही मैं आपको भी पूछूंगा। अक्षय आ रहा हूँ मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि ट्रेलर में बहुत दम है, बहुत मजा आया, ऐसा लग रहा था कि बार 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 ये ट्रेलर देखना चाहिए। बहुत धन्यवाद। तो जो है कि मतलब ट्रेलर है, एक मिनट, यहाँ लड़ाई हुई है। लड़ लिए? हो गया बस ठीक है। बेटा तू कहाँ उन बीच में, तू उल्टे मुंह होके बैठ जा। तो अक्षय सवाल कंटिन्यू करूं मैं? जी रेखा जी पूछिए। जी तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहूंगी। सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे है, अक्षय आज आप सुबह से ही मिले हैं और आप बहुत हद हैंडसम लग रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मूवी में जो आपका लुक है, ब्लैक एंड पेपर लुक इसे कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये एक लुक बहुत हमारी जो बॉलीवुड में है, बहुत मुझे लगता है कि सॉल्ट एंड पेपर, सॉरी मतलब काला ही हो गया। इसीलिए मैंने कहा मैं गलत तो नहीं हूँ, सॉल्ट एंड पेपर लुक ये बहुत जंच रहा है और मुझे लगता है कि ये हॉलीवुड में तो बहुत है लेकिन हमारे बॉलीवुड में मतलब कोई एक्टर ज़्यादा किसी ने इसको ये नहीं किया, परस्यू नहीं किया। तो आपके जहन में ये कैसे, इस लुक के लिए मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, बहुत कमाल लग रहा है। ये लुक ऐसा है कि लुक मुझे मुदस्सर साहब ने कहा कि आई वुड लाइक यू टू हैव लुक लाइक दिस सॉल्ट एंड पेपर, नॉट पेपर एंड पेपर। सो मैं राज़ी हो गया। तो इन्होंने कहा कि मेरा, मैं इस कैरेक्टर को देखता हूँ, मेरा कैरेक्टर डॉक्टर है एंड आई वुड लाइक टू सी माई कैरेक्टर लाइक दिस, नथिंग अबव द कैरेक्टर। जब आपका कैरेक्टर डिमांड करता है एंड इफ द डायरेक्टर वॉन्ट्स इट, सो आई वेंट फॉर इट एंड दैट्स इट। एक सवाल मेरा वाणी से भी है। हाय वाणी, बहुत हाय हाय, बहुत प्यारे लग रहे हो आप। और ऐसा ना कि जैसे कि बहुत मतलब इनक्यूजिटिवनेस भी है और एक उत्सुकता भी है, एक थोड़ा सा शक्की भी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये हम लड़कियों में सब में, हम औरतों में सब में होता है, लेकिन जनरलाइज कर दिया जी, सबको नहीं होता है कि हम मतलब सोचते हैं कि क्या चीज़ें हैं अपने पार्टनर को लेकर के। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस कैरेक्टर के लिए कोई इंस्पिरेशन थी, कोई किरदार था जहन में रियल लाइफ का, या आप स्क्रिप्ट पर ही गई? मैं स्क्रिप्ट पे ही गई और मैं मुदस्सर के जो उनके रिकमेंडेशन सजेशंस थे, जो उन्होंने जिस तरह इस कैरेक्टर को देखा, आई हैव ट्राइड टू गिव माय ऑल टू दैट विजन। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत अलग हूँ।
मैं हाँ मतलब मैं मुझे नहीं लगता मैं ये गेम भी सजेस्ट करूँगी अपने फ्रेंड्स को खेलने के लिए. बहुत खतरनाक गेम है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट गेम टू प्ले. व्हाट्स रॉन्ग विद यू? दिस इज अ ग्रेट गेम टू प्ले. प्लीज जाइए अपने घर वालों के साथ खेलिए और अपना घर तोड़वाइए. बहुत अच्छी गेम है. क्या बात कर रहे हैं, खेलिए जाके. रेखा जी प्लीज खेलिए. हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्टली ट्रेलर लुक्स अमेजिंग. बहुत अच्छे दिख रहे हैं सारे के सारे. प्रज्ञा मेरा सवाल आपसे है, अक्षय कुमार ने आप पर प्रैंक किया कोई सा? हाँ अभी अभी 5 मिनट पहले मेरा फोन छुपा लिया था एंड आई वाज लुकिंग फॉर इट एवरीवेयर. बट सर का तो ये है ही रोज का. मैंने फोन नहीं छुपा. आपको फोन कहाँ मिला? एमी की जेब में. डाला किसने था? मुदस्सर ने. मुदस्सर को दिया किसने था? अक्षय सर ने. अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं, जब इसका फोन गायब हुआ ना 5 मिनट तक इसके पसीने पसीने. मैं बता सकता हूं आपको लोगों को कि फोन जब गायब होता है ना किसी का, बाय गॉड किसी हालत बुरी हो जाती है. पता नहीं इसके अंदर क्या लोगों ने छुपा रखा होता है. ऐसी ऐसी चीजें हैं. मैं वैसे भी देखा है, जब भी पुलिस कोई क्रिमिनल को भी पकड़ती है तो सबसे पहले उसका फोन ले लेती है, क्योंकि उससे पता चल जाता है वो क्या क्या और कहाँ कहाँ और क्या सोच है उसकी. कमाल की चीज बनाई है ये, जो जिन्होंने भी ये फोन बनाया है, कमाल की चीज बनाई है. और जिनको ये फोन अपने पास रखते हैं ना, ये प्लीज ये फिल्म देखिएगा, आपको पता चलेगा फोन से क्या होता है. फोन से बहुत बुरा हाल होता है. फोन से जरूर देखिएगा. हाँ सो प्रज्ञा, या सो माय क्वेश्चन इज टू यू जी. एक साइड आपने खेल खेल में किया, दूसरे साइड बालकृष्णा के साथ एनवीके कर रहे हो आप. हाउ इज वर्किंग विद बोथ ऑफ देम? यू नो बोथ of these experiences are extremely wonderful. I'm grateful that I get to work in two different industries, two different languages, and I'm only striving to be a part of good films, good stories, play memorable characters, and I'm just grateful to have the opportunity. So I think language doesn't mean much. I just want to do good work. आपका सेल फोन अगर कभी गलती से ट्विंकल जी के पास अगर कभी चले जाता है तो what was your reaction? क्या उसमें इंडिया का जीडीपी है सर के फोन में? अक्षय जी आप बताइए. खुश है? थोड़ा यहाँ से ये बोल के खुश है. आए मजे आए तुझे? काफी देर से सोच रहा था मैं, मौका मिल गया. ठीक है. हाँ जी हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? आपका सेल फोन अगर कभी गलती से ट्विंकल जी के पास अगर चले हाँ. जाता है तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? क्या आपका रिएक्शन होता है? एंड आप तुरंत लेते हैं या फिर दे देते हैं? क्या आपका क्या होता है? मेरा क्या होता है? हाँ जी जी, मैं बताऊँ. मेरे परिवार में मेरे जो सेल फोन है उसका जो पासवर्ड है वो सबको, बल्कि सबको नहीं पता. किसी को नहीं पता. काफी वक्त से कॉमेडी पे कॉमेडी बनाते आ रहे हैं आप, है ना, और अब फाइनली अक्षय कुमार को वापस कॉमेडी में लेके आ रहे हैं. ऑफ कोर्स दैट्स व्हाट वी वांटेड. सो ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा. व्हाट इज दैट वन थिंग सर कॉमेडी में जो आपने अक्षय कुमार से सीखी हो? सर आपने बहुत हैवी सवाल पहले ही पूछ लिया. अगर 5 मिनट आप लोग इजाजत दें तो आप लोगों को बताता हूँ. वाकई देखिए क्या है, मैं 19 साल का था, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में था. एक थिएटर में मैं एक फिल्म देख के बाहर निकला, हेरा फेरी. और मुझे याद है मेरे साथ कुछ दोस्त थे मेरे. मैंने उनसे कहा यार, उस ज़माने में चिची सर की फिल्में बहुत चल रही थी, वो एक तरह की कॉमेडी कर रहे थे. कॉमेडी एग्जिस्टेड एट दैट टाइम एंड इट वाज रियली गुड इवन एट दैट टाइम. आई रिमेंबर टेलिंग वन ऑफ माई फ्रेंड्स एज वी वॉक्ड आउट, मैंने कहा यार ये बंदे ने ना कॉमेडी चेंज कर दिए कुछ. ही चेंज द गेम इन द राइटिंग एंड द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमेडी. आयरनी जिंदगी का इत्तेफाक देखिए, पति पत्नी और वो रिलीज हुई. फ्यू पीपल नो दिस. और अक्षय सर कॉल्ड मी आफ्टर वॉचिंग द फिल्म एंड द आयरनी ऑफ द मैटर, ही टेल्स मी बेटा मैंने तेरी पिक्चर देखी, मैं तेरी पिक्चर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था मगर तूने डेफिनेशन बदल दी. फॉर अ बॉय हु ग्रू अप
watching Akshay Kumar comedies, to hear that, to Akshay Kumar se comedy mein kya seekha set pe, to khair, the learning never stops, but main batata hu maine Akshay Kumar se kya seekha hai. मैंने अक्षय कुमार से सीखा है कि जब 6 डिग्री की ठंड है और अगर आपके मसूड़े से खून जा रहा हो तब भी कॉमेडी की टाइमिंग नहीं छूटनी चाहिए. यह सीखा मैंने अक्षय कुमार से. यह सीखा कि कोई कुछ बोले, यू शो अप एंड यू डू द जॉब. You make people laugh. कोई इंसान जो अपने दिल में अगर द्वेष पाले, अगर किसी के खिलाफ कोई ग्रज बैर करे, वो कॉमेडी नहीं कर सकता सर. You have to have a smile on your own face in order to be able to make other people laugh. And अगर मैं अक्षय कुमार से कुछ सीखा हूं तो ये सीखा हूं. That's what I've learned from Akshay Kumar. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.